हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन माइसेल्फ। हम तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 7, चैप्टर है 11 पैरामीटर एंड एरिया। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 11.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो मैं आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर देखिए एक्सरसाइज 11.4 के अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ही करेंगे, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो क्या हो जाती है, काफी लंबी हो जाती है। तो इसलिए इसके जो आगे के क्वेश्चन है 11 to 14 वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सरसाइज 11.3 में बताया था, सिर्फ टिक करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको देखिए इसके अंदर कंप्लीट जो एक्सरसाइज के अंदर सर्कल के फॉर्मूले से लेंगे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर। और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 into radius, ठीक है। तो अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 28। देखिए डायमीटर है आपके पास कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का, पाई डी, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे सर्कमफेरेंस पाई डी, पाई की वैल्यू 22/7। जब आपको क्वेश्चन में नहीं दी गिवन हो, वैसे पाई की वैल्यू आपके पास दो होती है, 3.14 एंड सेकंड 22/7। तो जो आपको जो भी अच्छी लगे आप ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए 22/7, डी है आपके पास 28, 4/7 से जाएगा, 4 × 22 = 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर्कमफेरेंस फाइंड करना था। बी की बात करें, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स r1:r2 इज 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कर देते हैं c1:c2 विच इज 2πr1:2πr2। 2π से 2π कैंसल, r1 है आपके पास 3:4, एज इट इज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सी की, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रोटेशन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, सर्कल का सर्कमफेरेंस आखिर होता क्या है, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, पूरा घूम के मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो कंप्लीट सर्कल का रोटेशन जो लगा दिया उसे मैंने क्या बोला, सर्कमफेरेंस, ठीक है। और अगर अपने बात करें इसमें स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। तो अब अगर मान लीजिए ये सर्कल एक टायर है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है तो मतलब वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। मान लीजिए अगर एक रोटेशन की बात करें, एक रोटेशन में मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम के वापस यहां पर आ गया, तो एक रोटेशन में उसने जो डिस्टेंस कवर की वो डिस्टेंस उसकी क्या है, सर्कमफेरेंस है। तो 10 रोटेशन में तो सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोटेशन। अब सर्कमफेरेंस 2 × πr, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको गिवन है कितनी, डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर गिवन है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली पाई डी का, क्या होता है, पाई 22/7, डी है आपके पास 4.2 और नंबर ऑफ रोटेशन है आपके पास कितने, 10। तो 7 से जाएगा 2.1 और यहां से आप देखिए, सॉरी 2.1 नहीं, ये जाएगा यहां से, हम हटा देते हैं, देखिए यहां से 4.2 डेसिमल हटा देते हैं, डिवाइड में 10, 10 से 10 कैंसिल, 7 × 6 = 42, 6 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 132 मीटर्स, विच इज योर ऑप्शन 1 स्टूडेंट। सो ऑप्शन सी का जो आंसर है आपके पास क्या है, ऑप्शन 1। तो देखिए अब अपने बात करते हैं डी पार्ट की, तो डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फॉर्मूला अगर आपको लर्न है क्वेश्चन इजीली होते जाएंगे, परेशानी आपको नहीं आएगी।
डी के अंदर देखिए द मिनट हैंड। अब बात करते हैं एक वॉच की, ठीक है, मान लीजिए मिनट हैंड है, तो ये पूरे रोटेशन में क्या करती है, अगर वो पूरा 1 घंटे के अंदर क्या करती है, पूरी घड़ी का रोटेशन ले लेती है, ठीक है। अब बात करें सेकंड हैंड की, तो सेकंड हैंड क्या करती है, एक रोटेशन मतलब 1 मिनट में पूरा रोटेशन लेती है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये क्या बोल रहे हैं, 45 मिनट के अंदर, अगर 45 मिनट की बात करें तो वो कितना पार्ट होगा, इतना पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स में बात करें तो 45 मिनट इज द एरिया, क्या बोल रहा है, द मिनट हैंड इज द सर्कुलर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये जो आपकी रेडियस आपको दे दी, जो रेडियस है आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन अ 45 मिनट। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर पूरे रोटेशन में अगर वो पूरा 60 मिनट की अगर अपने बात करते तो सिंपली आप इसका क्या निकाल देते, आप इसका फाइंड कर देते सरकमफेरेंस। लेकिन आप 45 मिनट्स मतलब 45/60, 15 के टेबल से करते हैं 3/4 पार्ट, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस, ठीक है। 3/4 मतलब 3 × 4, 2 × π की वैल्यू 22/7, और रेडियस है आपके पास कितनी, 40। ये आपका गया देखिए 2 × 2, ठीक है। तो 3 × 22 इट मीन्स 66। तो यूनिट देख लेते हैं अपने मीटर्स में है, तो 66 मीटर इज द करेक्ट आंसर, विच इज योर ऑप्शन 2 स्टूडेंट। तो 11.4 का जो आपका डी पार्ट है उसका ऑप्शन क्या आ गया, 260 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में रहेगा, 66 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ई की, क्या है देखिए, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज 6π सेंटीमीटर देन इट्स एरिया, पैरामीटर आपको दे दिया, देखिए पैरामीटर ऑफ सर्कल इट मीन सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस आपको कितनी दे दी, 6π, और अकॉर्डिंग टू अस फॉर्मूला क्या होता है, 2π r इज इक्वल टू 6π, पाई से पाई कैंसल, 2 से ये गया 3 टाइम्स, तो यहां से r आपके पास आ गई 3, मतलब रेडियस आपके पास क्या आ गई, 3। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास 2π r² 2 × π की वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, r² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9 × π, 9 × 2 18π इज योर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो हमसे शायद कोई गलती हो चुकी है, देखते हैं कहाँ गलती हुई है। देखिए तो यहां पर देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है पैरामीटर ऑफ सर्कल 6π सेंटीमीटर देन इट्स एरिया, ठीक है। पैरामीटर आपको दे दिया 6π, और हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, 2π r। देखिए दोबारा से ले जाते हैं अपने, 2π r इज इक्वल टू 6π, देन r इज इक्वल टू 6π डिवाइड बाय 2π, पाई से पाई कैंसिल, ये क्या 3 टाइम्स, r आपके पास 3 ही आ रही है, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, π r² होता है, ठीक है। तो यहां से आपकी गलती हो गई है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9π, तो 9π इज द करेक्ट आंसर, विच इज योर ऑप्शन सेकेंड, 9π सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ई स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस, ये आपको रेडियस गिवन है और पाई की वैल्यू आपको गिवन है। बात करते हैं ए की, सर्कमफेरेंस होता है आपके पास 2π r, 2 × π की वैल्यू 22/7, r आपके पास है 7, 7 से 7 कैंसल, 2 × 22 44 सेंटीमीटर इज योर आंसर फॉर ए। बी की बात करते हैं, देखिए
अगेन सी इज इक्वल टू 2πr, वेयर सी स्टैंड फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 22/7, रेडियस 1.4 mm, ठीक है, mm में है। तो यहां से हम आ जाएंगे डेसिमल बटे में 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 22 = 42, 42 × 2 = 88, 88/10 इट मींस 8.8 mm इज योर आंसर फॉर पार्ट बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखिए पार्ट सी की। तो पार्ट सी के अंदर देखिए 28 है, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 × 2 = 8, 8 × 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 8 × 2 = 16 कैरी 1, 8 × 2 = 16 + 1 = 17, सो 176 cm इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस। अब यहां से आपको क्या फाइंड करनी है, अब उसमें आपको गिवन क्या थी, आपको रेडियस गिवन थी, सर्कमफेरेंस फाइंड करना था। अब यहां पर आपको क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है और आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 132, और अकॉर्डिंग टू अस द फॉर्मूला क्या होता है, 2π r इज इक्वल टू 132। तो यहां से देखिए 2 × 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 132। तो यहां से देखिए इसको भेजेंगे इक्वल टू के उस तरफ, तो r इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 × 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 यहां ऊपर है, यहां जाके डिवाइड में जाए, यहां देखिए न्यूमरेटर में, तो यहां डिनोमिनेटर में चल जाएगा और यहां से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो देखिए 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस करने पर 1, ऊपर से 2 एंड 2 6 जा 12, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66। तो आप फाइनली आपके बचा क्या, r इज इक्वल टू 3 × 7 विच इज 21 cm इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ए स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसके लिए डायमीटर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट बी की। इसमें आपके पास सर्कमफेरेंस है 22, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22, तो 2πr इज इक्वल टू 22, देन r इज इक्वल टू 22/2π, ठीक है। तो यहां से 22/7 हो जाएगा, तो 22, 2 × 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, 22 1 जा 22 कट हो जाएगा और फाइनली आपके पास r बचेगा 7/2 विच इज 3.5 cm, ठीक है। यूनिट आप देख लेंगे, यहां पर मीटर है तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, मीटर में आंसर आएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी। अब अपने बात करते हैं पार्ट सी की। तो यहां से आपके पास जो सी पार्ट है, तो सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 26.4 mm, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 26.4, और यहां से देखिए r इज इक्वल टू 26.4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रखी, यहाँ के क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। यहां से मैंने डेसिमल हटाया और ये आपका आ गया 10 डिवाइड में 22 के टेबल से कट करते हैं, 22 1 जा 22, माइनस करने पर 4, ऊपर से 4, 2 जा कितना होता है 44, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फाइनली आपके पास आया क्या, देखिए r इज इक्वल टू 6 × 7 / 10, 6 × 7 होता है 42 / 10, और आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 4.2 mm। तो दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप, देखिए एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, और जो फाइंड करना है उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है, बस अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो आपको क्वेश्चन करने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहां पर देखिए क्या है, ए पीस ऑफ वायर 352 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए मान लीजिए एक वायर थी जिसकी लेंथ आपके पास क्या है 352 सेंटीमीटर। अब मैं इसको बेंट करके एक सर्कल बना लूंगा, तो अब जो ये लेंथ है ये इसकी क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 352। और हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, देखिए या तो 2πr या फिर πd, क्योंकि डायमीटर पूछा तो मैं सिंपली πd लिख दूंगा इधर, इज इक्वल टू 352। और d इज इक्वल टू 352 डिवाइड बाय 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 22 के टेबल से कट करते हैं, देखिए 22 वन जा 22 माइनस करने पर आपके पास आया देखिए 132 और 6 जा क्या होता है 132, तो वो d इज इक्वल टू 16 × 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा d इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर, वेयर d स्टैंड फॉर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है, देखिए व्हील ऑफ एन इंजन इज ऑफ रेडियस 2.8 मीटर। तो यहां पर आपको एक तो रेडियस दे दी 2.8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट मेड 100 रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दे दिए कितने 100। अब मैंने आपको बताया जो आपका एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसका सर्कमफेरेंस। तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो सर्कमफेरेंस आपके पास है क्या होता है फॉर्मूला 2πr और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास है 100। तो यहां पर देखिए 2 × 22/7 r है आपके पास 2.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहां से देखिए डेसिमल हटा दूंगा, डिवाइड बाय 10, 10 से ये 10 कैंसिल, 7 × 7 एंड 7 × 4 = 28। ठीक है, अब फाइनली आपके पास बचा क्या 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। यहां से आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 × 4 = 8, 8 × 22 = 176 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1760 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, अ पीस ऑफ वायर इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रिथ इज दिस। ठीक है, अब आपको क्या दे दी, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी 50, ब्रिथ आपको दे दी कितनी 38 सेंटीमीटर में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इट इज रीबेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए ऐसी केस के अंदर जब भी शेप चेंज हो रही है, मान लीजिए रेक्टेंगल से सर्कल बना रहे हैं, सर्कल से रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्क्वायर से रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्क्वायर से सर्कल बना रहे हैं, ऐसे केस के अंदर आपकी जो सर्कमफेरेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इस केस के अंदर आपका ये इक्वल होता है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। आपको फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है। तो यहां से 2π भी आप डिवाइड में भेज दीजिए, 2 × 50 + 38।
इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r। तो यहां से हम भेज देते हैं डिवाइड में, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 50 + 38, ये हो गया 88। यहां से 2 और 22 जाएगा डिवाइड में और 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू आर। टू से टू कैंसल, 22 × 4 = 40, सॉरी 88, एंड 8 × 7 और सॉरी 4 × 7 = 28। तो आर इज इक्वल टू 28, यूनिट आपकी सेंटीमीटर में, तो रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल आर इक्वल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कर देते हैं, देखिए। तो यहां पे आपसे बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर या फिर सर्कल पैर, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है 4 × साइड। साइड को मैंने मान लीजिए, लेट द साइड इज इक्वल टू ए। ठीक है, और पैर सर्कल की रेडियस को मैंने मान लिया आर। तो ये हो गया 4 × साइड, मतलब ए लिख देते हैं पहले 4 × साइड। और यहां पर पैरामीटर होता है आपके पास 2 π r। ठीक है, तो यहां से 4 × साइड मैंने माना ए, 2 × π × r। तो यहां से पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आपको रेशियो किसका फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है साइड ऑफ द स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से ए बाय आर का ये आपको फाइंड करना है, तो 2 × 22/7 / 4। तो यहां से ये जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 ये जाएगा 11 टाइम्स। तो आपके पास ए रेशियो आर इज इक्वल टू 11:7। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। क्या है आपके पास, 11:7। ठीक है, और इन द टर्म्स ऑफ पाई, अगर इन द टर्म्स ऑफ पाई आप निकालना चाहें तो यहीं पर आप पाई की वैल्यू ना निकाल के देखिए, यहां पर अगर अपने यहां पर इन द टर्म्स ऑफ पाई निकालना चाहें तो ए बाय आर इज इक्वल टू ये क्या आ रहा था आपका 2 π r/4। ठीक है, सॉरी 2 π/4। तो 2 × 2 ये जाएगा 2 टाइम्स। तो ए रेशियो आर इज इक्वल टू पाई रेशियो 2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों आंसर गलत है। कहीं ये आप सोचे कि आपकी बुक के पीछे ये आंसर गिवन है तो ये आंसर गलत है, तो ये आंसर भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल शीट इज 176, फाइंड द एरिया। ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है आपके पास 2 π r इज इक्वल टू 176। यहां से r फाइंड कर लेंगे, 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 × 22, क्योंकि यहां पर मैंने पुट कर दिया, मान लीजिए एक स्टेप मैंने शॉर्ट ले लिया, 22/7 × r इज इक्वल टू 176, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से इसको अपने कट करते हैं, 22 × 22 एंड ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, 2 × 2 = 4 टाइम्स। तो रेडियस जो है वो आपके पास क्या आ गई, 28 मीटर्स। रेडियस 28 मीटर्स आ गई। अब आपको फाइंड करना है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 × 28, 7 × 7 और ये क्या आपका 4 टाइम्स। ठीक है, तो 22 × 4 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 88 × 28 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 28 × 88, 8 × 8 = 64, कैरी 6, 8 × 2 = 16, 16 + 6 = 22। तो ये आपके पास हो गया 4642, सो 2000 464।
ठीक है, यूनिट देख लेते हैं किसमें है, यूनिट मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगाया है और वैल्यूज पुट की हैं, आपके क्वेश्चन होता गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ पीस ऑफ वायर इज बेंट, ए पीस ऑफ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो पीस ऑफ वायर था उससे क्या कर गया, बेंट करके क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया जिसका एरिया क्या है, मान लीजिए स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया क्या है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो यहां से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो साइड है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपका, 122 है। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, 11 सेंटीमीटर। द सेम पीस इज बेंट टू ए फॉर्म अ सर्कल, मतलब इससे क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया जब भी शेप सेम होगी तो आपका हमेशा, सभी शेप चेंज होगी किसी भी वायर की, तो आपका हमेशा क्या इक्वल रहता है, आपका इक्वल रहता है सर्कमफेरेंस। तो यहां से हम फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है आपके पास 2πr, पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया 44। यहां से अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया। तो r फाइंड कर लेंगे तो वहां से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 44 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। तो 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसल, और रेडियस जो है आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 7 यूनिट मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 7 होता है आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कोई भी समझ में अगर नहीं आता, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, बैक करना है और दोबारा से देखना है। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अपने पार्ट 2 के अंदर करेंगे, तो पार्ट 2 का भी आप वेट कीजिए, जल्द ही अपलोड होगी। ठीक है, हमारे ही चैनल पे अपलोड होगी इस वीडियो के एंड में। अगर अगर जल्दी से जल्दी अपलोड होगी तो वीडियो के एंड में भी आपको उसका थंबनेल दिख सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको दे दी रेडियस कितनी, 28 सेंटीमीटर, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब यहां से क्या कर रहा है, सर्कल से आपका स्क्वायर बना दिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, विच इज 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 22 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आपके पास आ गया सर्कमफेरेंस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर स्क्वायर होता है आपके पास 4 इंटू साइड, सर्कमफेरेंस हमने फाइंड किया 176, तो 4 जाएगा डिवाइड में, तो साइड इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, सो 44 सेंटीमीटर इज योर साइड।
तो 44 इज द साइड, देन यू फाइंड हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ठीक है, साइड इज 44, तो 44 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे, 44 इंटू 44, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखिए 4 इंटू 4 16 कैरी 1, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 इंटू 76, तो 6, 7 प्लस 6 13 कैरी 1, 7 प्लस 2 9, तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है. साथ ही जो है आपकी 11.4 कंप्लीट नहीं हुई है, ये कंप्लीट होगी इसके पार्ट टू के अंदर. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.